एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग के लिए। इसमें हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, यानी हम इसे ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल होता था, जब हमारे पास a और x दोनों पॉजिटिव होते हैं तो हम यहाँ पर टेंजेंट इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर हम क्या ऐड कर लेंगे, x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू a टेंजेंट थीटा, और यहाँ पर हमारे पास a किसके इक्वल है, 1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 इंटू टेंजेंट थीटा, या x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सही है। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएट होता है साइन, सिकेंड, सिकेंड स्क्वेयर थीटा, सही है। अब उसके बाद ये डी थीटा इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वेयर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक्स और डी एक्स की। अब हमने यहाँ पर इस जगह पे डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है और इस जगह पे एक्स की, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स की जगह आ जाएगा सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस, यहाँ पर एक्स की जगह पे सिकेंड स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, और इसकी पावर हमारे पास क्या है, 3/2। यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर टेंजेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर x की जगह पर टेंजेंट थीटा था, टेंजेंट थीटा था, अब स्क्वेयर लगाएंगे तो यहाँ पर स्क्वेयर आ जाएगा। यहाँ पर ये स्क्वेयर अभी रहेगा, अभी से स्क्वेयर को काटेंगे नहीं हम, क्योंकि हमारे पास सिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट थीटा, तो ये उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा सिकेंड स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। जब भी हम नहीं काटे, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा सिकेंड का, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास सिकेंड स्क्वेयर थीटा, अब इसकी पावर 3/2। अब इसको हम काट सकते हैं, स्क्वेयर यहाँ से कट जाएगा, सिकेंड थीटा सिकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय नीचे हमारे पास क्यूब है, सिकेंड क्यूब थीटा डी थीटा, तो ये हमारे पास कट जाएगा, ऊपर वाले दो हैं और नीचे हमारे पास एक बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2, यहाँ पर हमारे पास d थीटा नहीं था, यहाँ पर ऊपर d थीटा होगा डिवाइड बाय नीचे सिकेंड थीटा। अब हमारे पास सिकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं cos थीटा d थीटा। अब कॉस का हमारे पास इंटीग्रेशन होती है साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा प्लस डी थीटा, साइन थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, सही है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इक्वल होता है साइन एक्स के प्लस कॉन्स्टेंट, सही है। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ एक्स आंसर चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो क्वेश्चन गिवन था हमें वो इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया हुआ, तो हम स्टार्टिंग वाली इक्वेशन लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा जो हमने स्टार्ट में बनाई थी ना, एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा ये ले लेते हैं, इसके ज़रिए से हम साइन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। टेंजेंट होता है साइन ओवर कॉस, तो हमें साइन चाहिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा,
अब हमारे पास ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, पुट इन वन, तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट। अभी भी हमारे पास थीटा मौजूद है तो हमें थीटा को ख़त्म करना है। अब हम इसे यूज़ नहीं कर सकते दोबारा कि इधर हम कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन ओवर कॉस कर लें, तो वो हमारे पास दोबारा सीकेंड ही आ जाएगा। आप ट्राई करके देख लें कि अगर हम यहाँ से दोबारा कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, कॉस थीटा इंटू एक्स, तो वो हमारे पास साइन थीटा बन जाएगा और साइन थीटा हमारे पास यही है। तो हमें ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक्स इज इक्वल टू कॉस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है टेंजेंट थीटा। यहाँ पर हमारे पास बना था एक्स कॉस थीटा प्लस इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी। अब हमें कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है। अब हमें टेंजेंट इनका इन टर्म्स ऑफ कॉस करना है, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, टेंजेंट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, तो हमारे पास सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, ये फार्मूला हमारे पास है। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस वन, सही है। अब हमें सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ उस कॉस करेंगे, ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। अब हमें सीकेंट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। अब हमारे पास सीकेंट रेसिप्रोकल होता है उस कॉस का, तो यहाँ पर वन ओवर कॉस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब उसके बाद रेसिप्रोकल लेंगे क्योंकि हमें कॉस एक्स की कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन, या वन प्लस एक्स स्क्वेयर एक ही बात है। अब इसे हम इक्वेशन नंबर टू में पुट कर देते हैं, पुट इन टू, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स इन टू कॉस एक्स कॉस थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा वन ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बन रहा है, एक्स ओवर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो आपने इसे ऐसे ही करना है सब्सटीट्यूशन मेथड से, और ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेपरेट कर लेंगे, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वन ओवर टेंजेंट इनवर्स एक्स डी एक्स, सही है। अब हमारे पास जैसे कोई फंक्शन है वन ओवर ए ओवर बी, तो हम इसे नीचे भी लेके जा सकते हैं, बी ओवर ए ऐसे नीचे भी ला सकते हैं और वापस ऊपर भी लेके आ सकते हैं, तो इसी तरह हम इसे ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि हमने ऊपर इसका डेरिवेटिव वन प्लस एक्स स्क्वेयर इसका डेरिवेटिव होता है ना टेंजेंट इनवर्स एक्स का, तो ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा और नीचे फंक्शन, तो हम वो वाला पावर रूल यूज़ कर लेंगे। तो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय इसका नीचे डेरिवेटिव ऊपर इसका डेरिवेटिव, तो जब हमारे पास नीचे कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर हो तो वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन के। पावर रूल यहाँ पर नहीं यूज़ होता, पावर रूल जब होता है जब हमारे पास बराबर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। नेचुरल लॉग ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स, और ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रूट को अलग कर लेंगे, वन प्लस एक्स
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब उसके बाद इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा वन प्लस एक्स, डिनोमिनेटर के जो मिड पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाते हैं रैशनलाइजेशन में, बाय रैशनलाइजिंग विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट भी होगा। सही है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, हमारे पास बचेगा वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एक्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद ये हमारे पास वन इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और एक्स इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ए प्लस बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू ए ओवर सी प्लस बी ओवर सी। सही है, इसी तरह यहाँ पर भी होगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। सही है, अब उसके बाद इसे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, वन ओवर अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। हमारे पास इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स के प्लस कॉन्स्टेंट यूजिंग साइन इनवर्स एक्स प्लस। अब देखिए हमारे पास ये फंक्शन है वन माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ज़ीरो माइनस टू एक्स या फिर टू एक्स माइनस टू एक्स, तो ये इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास पावर को इग्नोर करके यहाँ पर ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी माइनस टू की कमी है यहाँ पर, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय माइनस टू कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस टू से जब डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब उसके बाद इसे हम ऊपर ले जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाया था, और ऊपर हमारे पास माइनस टू एक्स डिवाइड बाय नीचे हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स था। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स सेम ही रहेगा, माइनस वन ओवर टू भी सेम रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ये रूट है ना इसकी पावर वन बाय टू होती है, ऊपर जाके नेगेटिव वन बाय टू हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास माइनस टू एक्स डी एक्स ये सेम रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू। अब हमारे पास यहाँ पर पावर रूल लगेगा, वन माइनस एक्स स्क्वेयर पावर के अंदर एक प्लस करो और नीचे भी पावर के अंदर एक प्लस करना है। सही है, प्लस कांस्टेंट, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ किया वो मैं लिख देती हूँ, यूजिंग जब हमारे पास कोई फंक्शन हो उसकी पावर को इग्नोर करके उसका साथ डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रेशन में हमारे पास वो इक्वल होता है उसी फंक्शन की पावर के अंदर एक प्लस करना है और डिवाइड करना है उसकी पावर के अंदर एक प्लस करके। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स
माइनस वन ओवर टू वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, यहाँ पर हो जाएगी वन ओवर टू डिवाइडेड बाय वन ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये वन ओवर टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर वन ओवर टू प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमारे पास ये यहाँ से टू टू कट जाएगा और आंसर बनेगा साइन इनवर्स एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर वन ओवर टू है तो हम इसे अंडर रूट भी लिख सकते हैं, प्लस कॉन्स्टेंट या वन ओवर टू ही लिख दें, तो ये हमारे पास इसका आंसर बन गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा डी थीटा, इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम इसे पुट कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि हम इसे लेट कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस, हमारे पास माइनस साइन होता है, अब उधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो अगर हम इसे पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, सही है। अब हमने इधर पुट करना है तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा तो सेम ही रहेगा डिवाइड बाय वन प्लस टी स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर क्योंकि एक्स हमने लेड किया है डी थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा ये यहाँ पर इसके इक्वल है, साइन थीटा डी थीटा इक्वल है माइनस डी एक्स के, साइन थीटा डी थीटा इक्वल है माइनस डी एक्स से, तो यहाँ पर हम माइनस डी एक्स पुट कर देंगे डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये नेगेटिव साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट है, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं डी एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होगा यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स या कॉट इनवर्स एक्स के, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल होता है वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर के, तो इसकी इंटीग्रेशन ऑपोजिट हो जाती है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट ये मैं दोबारा लिखती हूँ, वन प्लस एक्स स्क्वेयर ये किसके इक्वल होता है टेंजेंट एक्स के, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट पहला, और एक्स हमारे पास किसके इक्वल है कॉस थीटा के, तो यहाँ पर एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, ये पहली बात हो गई। या फिर इसकी जगह कॉट इनवर्स का फॉर्मूला भी होता है, दोनों के इक्वल होता है, तो कॉट की टर्म में हमारे पास क्या इक्वल हो जाएगा, ये है माइनस टेंजेंट माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो कॉट के लिए इक्वल हो जाएगा यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स डी प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स
एक्स की जगह पे कॉस थीटा प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास दो आंसर बन गए इसके।